घड़ी ले लो, घड़ी ले लो भाई, भाई ले लो, ले लो ये ले लो भाई, घड़ी ले लो, घड़ी ले लो, घड़ी सस्ती सस्ती घड़ी। चश्मा पहनाओ जरा, देखो देखो भैया, देखो 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 भाई, देखो जरा कैसे गोविंदा लग रहे हो तुम। भैया भैया वाह, अब लग रहे हो ना शाहरुख खान, क्या बात है भाई, ये ले लो, ये भी सस्ती की है, क्या बात है, वाह सस्ती सस्ती घड़ी ले लो, ले लो भाई ले लो, आप भी ले लो, ये देखो कैसी लग रही है, ये लो भाई आप भी देख लो, बहुत मस्त एकदम राप चेक। दीदी दीदी माँ मुझे लगाना चाहती है, इसे कोई छोकरे से प्यार हो गया है, मैं लगाना चाहती हूँ। तुमको मैं कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो, नाराज हो? तुम्हें नहीं लगता कि उस रात तुमने जो किया वो गलत था? लेकिन सिर्फ छुआ ही तो था। मुझे सिर्फ मेरा पति ही छू सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारा बाप लगता है, कितना बड़ा है वो तुमसे? सिर्फ 3-4 साल ही बड़ा है, वो तो सिर्फ वो दारू और जुए की वजह से ऐसी उसकी हालत हो गई है, पर जो भी है तो मेरा पति, तुम भी तो मुझसे छोटे हो। वैसे आज वो शहर गए हैं घड़ी खरीदने, तुम चलो खाना खा लो, हमारे यहाँ मेहमानों को भूखा नहीं रखते हैं। और उस भूख का क्या जो मुझे अभी तक लगी है? कैसी भूख? 20 साल का हूँ। अच्छा, उस रात के लिए सॉरी। अरे सूरी नहीं, सॉरी होता है, और माफ सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। कैसी शर्त? बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? जैसे मैंने तुम्हें मारा, तुम भी मुझे मारना चाहते हो? तो लो मार लो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपने होठों से मेरे होठों पर थप्पड़ मारो। जिस चीज के लिए मार खाए फिर से वही काम करना है? ठीक है, तुम मत मांगो माफी मुझसे, मैं नहीं करूंगा माफ। तुम और तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है, वो नहीं आया? अरे वो ऐसा ही है, जाने दो ना। वैसे भी मुझे कहाँ फर्क पड़ता है? फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, बस अपने इस ठरकी दोस्त के लिए सहना पड़ता है अपने को। और ये थैली में क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। क्या बात है, नाराज क्यों? मुझ पर दया करने की क्या जरूरत है ये सब कुछ करके? अरे ये सब मैं थोड़ी ना लाया हूँ, मैं तो आज तक अपनी लुगाई के लिए एक एक रुमाल तक नहीं लाया हूँ, और ये लहंगा चुन्नी मैं क्यों लेके आऊंगा? ये तो वो राकेश है ना जो बाहर बैठा है, वो लेके आया तुम्हारे लिए। राकेश? हाँ। मेरे लिए कपड़े क्यों लिए? ऐसे ही, उसको आज तक मैं नहीं समझ पाया, तुम क्या समझोगी? वैसे तुम उसी से पूछ लो ना। वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। तो जाने दो फिर। हाँ जाने दो, लेकिन अभी का पैसा कब दोगे? चलता हूं मैं।
वैसे ब्योरों की चॉइस अच्छी है। हमें तो शराफत का भाषण देती हो दीपा जी, और घर में एक जवान लौंडे को रखती हो। अरे याद है तुझे, इस छोटी सी झोपड़ी में ये लड़की और लड़के के साथ सोती है। मैं बताती हूँ, मैं दोनों के साथ सोती हूँ। तुम दोनों के में मिर्ची क्यों लग रही है? राजू सच में वो लड़के के साथ सोती है? अब इसने तो ये कहा है, उसके हिसाब से तो सही है। इसका चेहरा भी इसकी जवानी की तरह लाइट मार रहा है भाई। याद है तुझे? उस दिन तुझे वो सुअर बोली थी? हाँ याद है भाई, मैंने तुझे बताया था सुअर बोला है उसने। मुझे क्या याद दिला रहा है? याद है सच में बोलना बेकार है। मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। अबे यार ये जो औरत है ना, एकदम कड़क समझा, लेकिन छुओ ना तो मक्खन लगती है। और अब तू ठरकी है, तो ये सब करना है ना तू अकेले जाया कर यार, मुझे मत लेके जा। अबे तू दोस्त है मेरा समझा, और तुझे कंपनी देने में प्रॉब्लम है क्या? कंपनी तुझे अच्छे से पता है कि मैं अंदर जाऊंगा नहीं, और तेरे पूरे मैच तक मुझे स्टेडियम के बाहर बैठना पड़ेगा। अबे तो तुझे मना किसने किया है? तू चलना मेरे साथ। ओहो यानी तू चाहता है मैं मैच देखूं, वो भी मैदान में आकर। मैं तो घर जा रहा हूं वापस, तू जा। अबे तो सुन यार चल। घड़ी ले लो, चश्मा ले लो। अच्छा लग रहा है? 100 रुपए में बस। ये देखो, हाँ अलग रहे हो ना। शुक्रिया। घड़ी ले लो, चश्मा ले लो। घड़ी है? घड़ी है, ये देखिए घड़ी। मैं दे देता हूँ। मैं दिखाती हूँ। ठीक है भाई, कितने की है? अरे पहले आपके बीच में बोलते हो, पहले पहना लेने दो। हाँ। फिर देखिए। समझा करो यार। ये देखिए, तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आ। क्या हुआ? पर 2000 की है। तुझे पता है तेरी बीवी का चक्कर कहाँ चल रहा है? क्या बात कर रहे हैं बे? ये लौंडा चिकना है, उसके साथ तुझे यही बताने आया था। दिमाग ना खराब कर, विश्वास कर मेरा। मारूंगा तेरे को, काट दूंगा। सच बोल रहा हूँ। निकल। सच बोल रहा हूँ। निकल। दिमाग खराब कर दिया। चलो घर चलते हैं। यार राजू, उसकी बीवी तुझे बोल के जाती है और पति बोल के जाता है, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं यार, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जले पे नमक छिड़क रहा है। तेरी इज्जत मैं करता हूँ। तुझे मेरी चिंता है ना? बहुत चिंता है तेरी। तो मेरे दोस्त कुछ ऐसा आइडिया लगाओ जिससे मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं, उस उर्मी की जवानी के मजे ले सकूं। बिल्कुल। और उस पति और बीवी दोनों को सजा दे सकूं। चल। चिंता है ना तुझे? अरे कौन है? आ रही हूं बाबा। अरे तू क्या हुआ, चल अंदर आ, बैठ। क्यों रो रो के नदियां बहा रही है, क्या हुआ? मैडम वो कजरी वो छोकरे को लेके भाग। अरे ये बात थी, मुझे तो लगा कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। मैडम
आप ही कुछ कर सकते हो। वो किसी का फोन नहीं उठा रही है। आप फोन लगाओगे ना तो वो फोन उठा सकती है। जरूर फोन करूंगी उसे, लेकिन बधाइयां देने के लिए करूंगी। हाँ? तुझे तो खुश होना चाहिए। तू क्या चाहती है, तेरी और मेरी तरह तुम्हारी बेटी जिंदगी भर यहीं पर सड़े? वो अपनी जिंदगी में खुश है और अब तू भी खुश रह। खुद गर्ज मत बन और ये ले पानी पी और अभी शांत हो जा। ले पानी पी ले जल्दी। ऐसा क्या बोल रहा था राजू जो तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे? आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूँ। क्या करोगी जानकर? काम करो अपना। क्यों, मैं नहीं जान सकती क्या? जरूरी नहीं समझता मैं। ऐसा क्या बोल दिया उसने जो तुम इतने गर्म हो रहे हो? आज की रोजी रोटी छोड़कर सीधा घर चले आए? ऐसा तो नहीं कि कहीं जुआ और शराब के चक्कर में तुम ये प्लान कर रहे हो? देखो पहले बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं फिजूल के उड़ाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे है? जुआ और शराब से तू रोकेगी मुझे? पति हूँ मैं तेरा, चाहू ना तो तुझे भी जुए में हार जाऊंगा, समझी? क्या हुआ? आज तू अकेला आ गया, वो तो मुझे पता ही था। दुनिया की नजरों में तू शरीफ शराबी है, लेकिन तुझे शराब के साथ औरत का भी नशा है। औरत और शराब में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं यहाँ तेरी जवानी ठरक में नहीं आया। गौरव अपना आई कार्ड भूल गया है, वही लेने आया हूँ। गौरव को पुलिस ने पकड़ लिया है, आई कार्ड मिलेगा तो वो छूट जाएगा। क्या, पुलिस ने पकड़ लिया? पकड़ लिया है मतलब पकड़ लिया है, और वैसे भी उसकी जिंदगी में पुलिस और कोठा ये काम बात है। अच्छा वो ठीक है, आई कार्ड मिलेगा तो मैं देखूंगी, लेकिन अभी फिलहाल चाय पिएगा, बैठ जा। अच्छा एक बात बता, तू तो मेरे लिए कपड़े क्यों लाया था? ऐसे ही ले लिए। शराब क्यों पीता है तू इतनी? क्योंकि ये चाय से चढ़ती ही नहीं। गाड़ी ले लो, गाड़ी सस्ती सस्ती घड़ी। आओ देख लो घड़ी, ले लो भैया घड़ी, सस्ते में घड़ी ले लो, चश्मा ले लो, बेंजी घड़ी ले लो। कितने का है? अरे 200 का है। ये एक काम करो, 2000। ये देखो, अब लग रहा ना हीरो। ये भी 2000। ये कितने का है? ये 400 का है। ये 300 का है। बहुत महंगा है। अरे महंगा नहीं, ये सस्ता है। अरे हाँ सस्ता है ये। अरे ये लो। नहीं नहीं ये नहीं। अरे ले लो। अरे अपने बच्चों को तो बुलाओ। नहीं 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 चल रहा। गाड़ी ले लो, गाड़ी गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। हे भगवान क्या होगा, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, पूरा समय सही करवा लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। ओ भाई गाड़ी ले लो भाई, पूरा समय सही करवा लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो यार। ओ भाई गाड़ी ले लो, ले ले भाई। अरे कर दूंगा मैं यार, ये देख चश्मा देख तू,
भाई आप भी देखो ना यार कैसे गोविंदा लग रहा है। आ जाओ भाई ये देखो, आप भी आ जाओ भाई, ले लो तुम, कैसे लग रहे हो? सस्ती मिलेगी बराबर। अरे देखो भाई ये देखो, अरे ले लो भाई, अरे अच्छे ये भी देखो, घड़ी ले लो, घड़ी सस्ती सस्ती घड़ी ले लो भाई। अब तू ही कुछ आइडिया लगा दे भाई, आज ऐसी घड़ी बेचूंगा कि दो हफ्ते तक बेचनी ही नहीं पड़ेगी। घड़ी ले लो, घड़ी घड़ी इधर आओ, इधर आओ आप, आप इधर आओ, घड़ी ले लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये देखो घड़ी, देखो कितनी मस्त है ये, देख घड़ी देख, तू पहनेगा ना एकदम जेंटलमैन लगेगा। रुक तेरे को ना पहना के दिखाता हूँ, फिर मेरे को बता तू कैसा लग रहा है। ये देख कैसा जेंटलमैन लग रहा है। वो तो मैं कोई भी घड़ी में लगता हूँ, इसमें खास क्या है? अरे भाई रात को सपने आते हैं? हाँ सपने तो आते हैं। अच्छे या बुरे? सपने तो सपने होते, अच्छे भी आते बुरे भी आते। बस यही तो मैं बता रहा हूँ, इस घड़ी की खास बात ये है, अगर आप इसे पहन के सो जाते हो और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आपकी दिल की धड़कन को ये सेंस करेगी। क्या बात और है? आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। हाँ? अरे भाई ये घड़ी घड़ी नहीं है बल्कि खून की रफ्तार को भी संतुलित करने वाली मशीन है। हाँ यार अभी ये देखो इसे, अब देखना कैसे सपने आते तुम्हें। अरे सोच क्या है, ले ले। कितने की है ये? बस 2000। 2000 बहुत महंगी है। अरे ये देखो, ये रहा जैसे मैंने बताया था आपको, ये रहा ब्लड प्रेशर और ये देखा। चलो ठीक है, शुक्रिया। बोला था ना लौंडा तेज है। हाय हाय।